हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। इसकी प्रॉपर थ्योरी मैंने इससे पहले के ट्यूटोरियल में आपको बताई हुई है, आज केवल हम लोग इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की जब हम बात करते हैं, तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जनरेट द कंट्रोल सिग्नल नीड फॉर द प्रोसेसर यूजिंग लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट के थ्रू आपका क्या करता है, इसमें इंस्ट्रक्शन आपके जो है जनरेट होते हैं। कंट्रोल यूनिट जनरेट कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, जबकि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जनरेट द कंट्रोल सिग्नल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोरेज कंट्रोल मेमोरी। इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपके क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल जो है वो जनरेट होते हैं, किसमें, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर। दूसरा है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट इज फास्टर व्हेन द कंपेयर टू द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एज रिक्वायर कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के थ्रू आपके कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं, तो इसलिए ये फास्टर होता है, जबकि दिस इज स्लोअर देन द अदर एज माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर यूज टू जनरेट सिग्नल। सिग्नल जनरेट करने के लिए आप माइक्रो इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, आपका एक स्लो प्रोसेस है। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई एज द कंट्रोल सिग्नल दैट नीड टू बी जनरेटेड हार्डवेयर से जनरेट होते हैं, तो इसको मॉडिफाई करने आपको सिग्नल को, तो ये डिफिकल्ट होगा इसमें आपके, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से जनरेट होते हैं तो इजी होता है आपका मॉडिफाई करना। मोर कॉस्टली एज एवरीथिंग हैज टू बी रिलाइज इन टर्म्स ऑफ लॉजिक गेट। सब कुछ आपका लॉजिक गेट के थ्रू चलना है, क्योंकि हार्डवेयर का प्रोसेस होता है तो एक कॉस्टली भी आपका ज्यादा होता है। लेस कॉस्टली होता है क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन से परफॉर्म हो रहा है, और इंस्ट्रक्शन आप खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन आर जनरल कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल जो है इंस्ट्रक्शन से जनरेट होते हैं, इसलिए ये लेस कॉस्टली होता है। इट कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एज अ सर्किट डिजाइन फॉर द बिकम कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स आपका कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसको हैंडल करना ये इजीली हैंडल नहीं कर सकता, ये इजीली उसको हैंडल कर सकता है। इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को इजीली हैंडल कर सकते हैं आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की हम लोग बात करें, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड ड्यू टू द हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ही आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं हो सकती है। मैनी इंस्ट्रक्शन कैन बी जनरेटेड, इसमें कितने भी इंस्ट्रक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो यूज होता है आपका रिस्क का यूज होता है, आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का यूज होता है, जबकि इसमें अगर यूज करें तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आपके यूज होते हैं, किसमें, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी इजीली आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि इसमें आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो इजीली एग्जीक्यूट नहीं होता है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के अंदर। तो ये डिफरेंट आपका हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के बीच। थैंक यू स्टूडेंट।